नमस्ते, मैं मंजू कक्कर। आज मैं आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर के आई हूँ जो उन युवाओं के लिए, ये विषय है जो चार चार पाँच पाँच सालों से तैयारियों में जुटे हुए रहते हैं और जब सुनते हैं कि पेपर लीक हो गया, पेपर रद्द हो गया, न जाने उस युवा पर क्या बीतती होगी। तो मैं ऐसा ही, मेरा ये विषय है, ये ना तो कोई कहानी है और ना कोई कविता है, ये मेरे दिल के जज्बात हैं, ये तमाम उन युवाओं के जज्बात हैं जो तैयारियों में जुटे हुए रहते हैं। बाप बाहर करता मजदूरी, बाप बाहर करता मजदूरी, माँ घर में है बीमार, यहाँ पेपर रोज़ लीक होते, कैसे करूँ मैं नौकरी का इंतजार। माना कि मुझ पर धिक्कार है, माना कि मैं गलत हूँ जो स्टेशनों पर रात बिताई है, माना कि मुझ पर धिक्कार है, माना कि अधर्म बहुत है, ये कलयुग की सच्चाई है। घिसते घिसते घिस गया हूँ इस समाज की बुराई में, पर अब तो नौकरी पाने की कसम भी मैंने खाई है। सूर्य उदय से पहले जगता रोज़ दौड़ लगाता हूँ, वापस आकर चूल्हा जलता, फिर पेट की आग बुझाता हूँ, फिर हम सब में होड़ लगती किताबों को पढ़ जाना होता, हाथों की लकीरें घिस गई, रोज़ नोट्स बनाना होता, पूरे साल यही होता है, फिर होता एक इंतज़ार, जल्दी से बहाली आए, फॉर्म भरने को हम तैयार, जो बस एक ही जुनून, जोश तो मानो ऐसा होता कि कलम बन गई हो तलवार, बस एक ही नारा कि अब की बार नौकरी मिल जाए यार। घड़ियाँ टिक टिक करती, फिर आता दिन परीक्षा का, जाते हम हुनर दिखाने अपनी अपनी शिक्षा का, फिर हम सब का गला घुट जाता जब पेपर लीक हो जाता, इतनी कठिन परीक्षा का, फिर वही हुंकार लगते, उतरते सड़कों पर शांति से लाठियों के प्रहार लगते, इतना भी सह लेते, फिर आश्वासनों का बौछार लगता, लौट आते फिर वापस, फिर खुद पर ही धिक्कार लगता, लौटने की बात है तो उसमें भी एक बात है, हम गांधीवादी हैं, हम सब में जज्बात है, ये देश हमारा है, कोई सड़कों पर आग न लगाएगा। तो कहती हूँ मैं तमाम उन विद्यार्थियों से जिनका हाल यही है, अरे कब तक होगा ये, बस मेरा सवाल यही है। तो कहती हूँ मैं उन देश के विद्यार्थियों से कि तुम ही हो इस देश के अभिमान को बचाने वाले, तुम ही हो इस मिट्टी के स्वाभिमान को बचाने वाले, और नमन है छात्रों तुम्हें देश के संविधान को बचाने वाले। जय हिंद, जय भारत।